एक क्लास हो चुकी है वैट की, जिसमें हम लोगों ने वैट की नीड्स के बारे में देखा था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया था वैट का, कि वैट लाने के पीछे रीज़न क्या था। वैट लाने के पीछे जो मेन रीज़न था, दैट वाज टू ब्रिंग आउट जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैक्सिमम डेवलप्ड कंट्रीज़ ने वैट को लागू किया हुआ है, एक सेंट्रल सिस्टम लागू किया हुआ है, स्टार्ट किया हुआ है, तो इंडिया को भी ज़रूरत पड़ी कि वो स्टेट एक्ट से उसको कन्वर्ट करे वैट पर, और उसमें जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करे। और हम लोगों ने वो कमियां देखी थी, क्या प्रॉब्लम थी स्टेट टैक्स में, जिसको हम लोग टर्नओवर टैक्स के नाम से भी जानते थे, सेल्स टैक्स के नाम से भी जानते थे, जैसे यूपी में कहा जाता था UPTT, उत्तर प्रदेश ट्रेड टैक्स, कहीं कहीं टर्नओवर टैक्स। तो वहाँ पर हम लोग अब इसको हम सिंगल नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। अच्छी बात है कि अभी भी, अच्छी बात तो नहीं कह सकते, हाँ अभी भी वैट तो अप्लाई हो गया है, लेकिन ये सेंट्रल लेवल का वैट नहीं है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स, ठीक है ना। फीचर्स क्या है वैट के, क्या वो स्पेशल चीजें हैं जो वैट के दायरे में लाई गई वैल्यू एडेड टैक्स में। पहली, हम लोग ये अच्छी तरह देखे थे लास्ट क्लास में कि ये हमारा मल्टी पॉइंट टैक्सेशन है, जितनी बार सेल्स अफेक्ट होगी उतनी बार हमको टैक्स मिलेगा, पक्की बात है ना, मल्टी पॉइंट सेल्स टैक्स, मल्टी पॉइंट वैट भी है, जितनी बार सेल्स अफेक्ट होगी उतनी बार वैट लगेगा। लेकिन वहाँ एक निगेटिविटी थी कि जो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है फर्स्ट सेलर बायर से, वही बायर जब वो सेल करता है सामान, रीसेल करता है, तो वही टैक्स फिर से उसको दोबारा देना पड़ता है, हाँ या ना, और इस टैक्स पर भी टैक्स चार्ज हो जाता था, जिसको हम कास्केडिंग इफेक्ट के नाम से जानते थे। तो एक तो ऑलरेडी पेड टैक्स को दोबारा टैक्स देना, 3 टाइम देना, 4 टाइम देना हर बार, ये एक गलत सिस्टम था। दूसरा, कैस्केडिंग इफेक्ट का होना टैक्स के ऊपर टैक्स का लगना, ये गलत था। इन दोनों कमियों को दूर किया गया किसमें, वैट में। तो वैट हमारा मल्टी पॉइंट टैक्स है, वैट को सिंप्लीफाई किया गया है, पेपर वर्क उतने नहीं हैं जितने हमारे पहले थे, अब कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में हमको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाता है, और हम लोग अपना काम भी आराम से कर लेते हैं, लेजर पेपर वर्क है, क्लियर है। हाँ, हार्श रूल डाले गए हैं, वहां पर हर साल असेसमेंट होता था, पहले क्या होता था, हर साल आपने काम किया, सेल किया, अब ले जाओ भाई अधिकारी के यहां, ये दो और उसके बाद काम कराओ, असेसमेंट हर साल का होता था। अब वो सिस्टम नहीं रहा, अब जिस तरह इनकम टैक्स में आपको ईमानदार माना गया है, उसी तरह हेयर अगेन यू आर टू बी ट्रीटेड एज अ ऑनेस्ट एसएससी, ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट सेलर। गवर्नमेंट ये एज्यूम करके चलती है, वॉट एवर द सेल्स विल बी मेड बाई यू, यू आर जस्ट गोइंग टू डिक्लेयर ऑल दोज थिंग्स ट्रूली, आप हर चीज़ सही समय पर और सही तरीके से शो कर रहे हो, ये गवर्नमेंट मानकर चलती है। जब गवर्नमेंट ने आपको एक जिम्मेदारी अच्छी खासी दी है, तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भाई आपके ऊपर फिक्स करेगी। अगर आप कभी पकड़ा गए इंस्पेक्शन के दौरान कि आपने टैक्स की चोरी की या सेल्स को नहीं शो किया, तो उस समय आपके ऊपर हार्श पेनाल्टी लगेगी, हार्श प्रोविजंस बनाए गए हैं। तो ये चीजें हैं वैट के अंदर, ठीक। अच्छा, ये ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा रखा है, मींस हर चीज क्लियर कट है, इवन यू कैन कैलकुलेट योर ओन टैक्स, और सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है ही।
ये तो लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वैट इंडिया के लिए नया सिस्टम नहीं है, ये ऑलरेडी 86 में ले आया गया था सैनवेट के नाम से, किसमें, एक्साइज एक्ट 1944 में। हाँ या ना, डिस्कस कर चुके हैं इसको। ढंग से सुनेंगे, सेल्स टैक्स को इम्पोज करने के कितने तरीके हैं, पहले तो हम वो तरीके जान लें। सेल्स टैक्स को इम्पोज करने के कितने तरीके हैं वो हम मेथड्स तो जान लें, कि आखिर गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी टेक्निक है कि हमारे ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज कर सकती है, गवर्नमेंट के पास वो क्या क्या टेक्निक्स हैं कि गवर्नमेंट हमसे क्या चार्ज कर ले, सेल्स टैक्स। हाँ या ना, तो गवर्नमेंट के पास कौन सी टेक्निक है, ये तीन तरीके हैं। कितने तरीके हैं, ये तीन तरीके बताए गए हैं गवर्नमेंट के पास टैक्स चार्ज करने के। सेल्स टैक्स के रिगार्डिंग बात हो रही है, किसके रिगार्डिंग बात हो रही है, सेल्स टैक्स के। द फर्स्ट वे इज सिंगल पॉइंट सेल्स टैक्स, बात समझना, सिंगल पॉइंट सेल्स टैक्स एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सेल, सिंगल टाइम सेल्स टैक्स। मिस्टर एक्स है मैन्युफैक्चरर, इसने सेल किया होलसेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को, नहीं कर सकता, कर सकता है ना, एज एंड व्हेन ही मेड द सेल टू होलसेलर ही चार्ज द अमाउंट ऑफ टैक्स। बोलो ना, सिंगल पॉइंट सेल्स टैक्स, वर्ड क्या है, सिंगल पॉइंट सेल्स टैक्स। व्हेन, व्हेन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सेल, दिस इज द फर्स्ट वे टू इंपोज द टैक्सेशन ऑन द पब्लिक। इनडायरेक्ट टैक्स है तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर के ऊपर ही जाएगा। तो सिंगल पॉइंट सेल्स टैक्स एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सेल, जैसे ही मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को सेल किया, टैक्स हैज बीन चार्ज्ड। 100 का सामान 110 रुपए में सेल किया गया, 10 रुपए टैक्स का इसके पास आया और इसने ये 10 रुपए किसको दे दिया, गवर्नमेंट को। स्टोरी इज ओवर नाउ। नाउ ही सेल द गुड्स टू द रिटेलर एंड रिटेलर विल सेल द गुड्स टू द कंज्यूमर। नाउ नो एनी न्यू टैक्स विल बी इंपोज्ड। ये 110, केवल 10 रुपए सेल टैक्स, इसने रिटेलर को सामान सेल किया 150, दैट्स ओवर। अब कोई एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स इसको मिलेगा नहीं, इसने अपना 10 रुपए कलेक्ट कर लिया, अपनी जेब में रख लिया, क्योंकि 10 रुपए तो ऑलरेडी जा चुका है। इसने भी 200 में सामान सेल किया, किसको, कंज्यूमर को, इसको अपना टैक्स मिल गया। अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां चला गया। 10 रुपए एक्चुअल में पे इसने किया, और पे इसने किया लेकिन गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट किसने किया, मैन्युफैक्चरर। दैट वॉज द वे, दैट इज द वे टू इंपोज टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल पॉइंट टैक्सेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सेल। अच्छी बात है या नहीं, अच्छी बात है या नहीं भाई, इतनी बार आप टैक्स लगाते हो, यहां टैक्स लगाते हो, यहां टैक्स लगाते हो, बेचारे इसके ऊपर टैक्स लगाते हो, इसके ऊपर टैक्स लगाते हो, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते हो, और जितनी बार सेल्स होती है उतनी बार टैक्स लगाते हो, हमें तो नहीं समझ में आ रहा। आप एक ही बार टैक्स लगाओ ना, क्या जरूरत है ये मल्टी पॉइंट टैक्सेशन की, बोलते क्यों नहीं, सही है या नहीं, बोलो क्यों सही नहीं, कहां लग रहा है टैक्स के ऊपर टैक्स, अब तो इसके बाद कोई टैक्स ही नहीं लग रहा। बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है ये, सिंगल पॉइंट सेल्स टैक्स। जैसे इसने सामान बनाया, इसको बेचा, हो गया काम खत्म, कितना आसानी से काम हो जाएगा, और गवर्नमेंट को 100% टैक्स रिकवरी होगी, नहीं होगी, 100% टैक्स रिकवरी होगी, पक्की बात है, सोचना ही नहीं है।
हाँ, इसमें ना करने वाली क्या बात है, मैं समझा रहा हूं तो ना ना करो, मैं बता तो रहा हूं, सिंगल पॉइंट टैक्सेशन है। इसने जैसे ही सामान प्रोड्यूस और सेल किया, टैक्स चार्ज हो गया, क्या दिक्कत है इसमें? चोरी की तो पॉसिबिलिटी बहुत ना के बराबर रहेगी। गवर्नमेंट को 100% सेल्स पर नॉर्मली टैक्स मिल जाएगा। प्रॉब्लम केवल एक जगह आएगी, प्रॉब्लम केवल एक जगह आएगी, और वो छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। होगा क्या, ये सामान क्यों ये दिखाने जाएगा गवर्नमेंट को कि मैंने 100 का सामान इसको 110 में बेचा? ये दिखाएगा मैंने एक ब्रांच खोल रखी है, इंडिपेंडेंट ब्रांच है, यहां कोई दूसरा इसने नाम से बिजनेस खोल दिया किसी दूसरे के नाम से, और जो सामान इसको 110 में बेच रहा है इसको 50 में बेचेगा। कितने पर बेचेगा? और ये 50 रुपए का सामान कितने पर बेचेगा इसको? 100। ये भी कंपनी इसकी है, बात समझना। अब गवर्नमेंट को टैक्स कितने पर मिलेगा? कितना रुपया? और जबकि एक्चुअल में वो सेल कितने पर हुई है? पहली चीज, ये सामान अगर 10 रुपए में बेची तो गवर्नमेंट मना कर लेगी क्या इसको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गवर्नमेंट को अब टैक्स कितना मिलेगा? जहां 10 रुपए मिलना चाहिए अब 1 रुपए टैक्स मिल रहा है, उसके बाद टाटा और बाय बाय, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलने वाला। सिंगल पॉइंट सेल्स टैक्स है, दैट इज ओवर। कितना बड़ा नुकसान है गवर्नमेंट को, है या नहीं है? तो ये पॉसिबल नहीं है ये टैक्स चार्ज करना, और नई चीजें आएंगी। हाँ या ना? या समझ लो कि एसएससी चोरी नहीं करना चाहता, वो 100 का सामान है, 100 में ही बेचता है, चलो हमने ईमानदार मान लिया, आपने खूब ईमानदारी दिखाई, लेकिन एक्चुअल में बीच में इतना मार्जिन हो जाता है कि सामान लास्ट में कितने में बिकता है? 1000 रुपए में। अब सरकार को टैक्स मिल कितने पर रहा है, जबकि सरकार ले कितने पर सकती थी? कंज्यूमर तो 1000 रुपए के सामान पर बेनिफिट ले रहा है ना, ये भी एक लॉस है गवर्नमेंट का, है या नहीं है? तो गवर्नमेंट ने कहा ना बाबा ना, सिंगल पॉइंट सेल्स टैक्स तो मेरे लिए पॉसिबल है ही नहीं। तो उसने दूसरा तरीका इख्तियार किया, सिंगल पॉइंट सेल्स टैक्स। प्रॉब्लम क्या आई कि सामने वाला सामान अगर 1000 रुपए में बेचेगा तो दिक्कत है। चलो क्यों ना एक काम करें, किसको पकड़े, इधर ना पकड़ो उधर पकड़ लो, सिंगल पॉइंट सेल्स टैक्स एट द टाइम ऑफ लास्ट सेल। नहीं हो सकता? बोलते क्यों नहीं? ये सबसे अच्छा तरीका है या नहीं? पक्की बात है ना? गवर्नमेंट को पूरे अमाउंट पर टैक्स मिलेगा, हाँ या ना? पूरे अमाउंट पर टैक्स मिलेगा। अरे 10 रुपए का सामान आप 1000 रुपए में बेचोगे, गवर्नमेंट विल स्टार्ट टू चार्ज टैक्स ऑन ₹1000। इसकी कमी को दूर किया या नहीं? अच्छी बात है या नहीं? नहीं, फिर से एक कमी आ गई, फिर से वो कमी छोटी मोटी कमी नहीं है, बहुत बड़ी कमी है। जानते हो क्या? नहीं, हम बताते हैं ना, सुबह सुबह तुम लोग सोते हो, मतलब रात में सोते हो, सुबह जागते हो तो बगल से आवाज जाती है, दही ले लो दही। आती है? नहीं आती। आती है, मोहल्ले में ऐसे घूमते हैं हॉकर, आलू मिर्चा प्याज टमाटर ले लो, है कि? अब बताओ इन हॉकर से तुम कैसे टैक्स लोगे? लास्ट सेल तो वो कर रहे हैं, बर्तन ले लो, है कि नहीं? और कभी कभी सुबह एक अच्छी सी आवाज आती है, लोहा टीना कबाड़ बेच लो, ले मत लो बेच लो। तो उल्टा होता है, तो यहां पर हम वो बेचने का ऑफर करता है, क्या बेच रहा है? सारी चीजें बेच रहा है। क्या जब हम उससे सामान खरीदते हैं तो वो हमको रसीद देता है? बोलते क्यों नहीं? रसीद देता, क्या ये गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है? पीछे पीछे घूमे, ए हॉकर इधर आ, कितने का सामान बेच रहे, सामान नोट करवा, क्या पॉसिबल है गवर्नमेंट? अरे मैक्सिमम सामान तो इसी तरह से सेल होता है, छोटी छोटी गुमटियों में, छोटी छोटी दुकानों में, शॉपकीपर छोटे से मोहल्ले के अंदर एक छोटी सी दुकान है, अरे गवर्नमेंट कहाँ से टैक्स चार्ज कर पाएगी? द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द सेल्स इज मेड डन बाय दीज टाइप ऑफ शॉपकीपर्स। गवर्नमेंट के पास से तो मैक्सिमम टैक्स जाएगा ही नहीं। हाँ, कुछ लोगों को पकड़ लेगी जो बड़े बड़े शॉपकीपर्स हैं, बात खत्म। देखो यहां पर और बड़ी प्रॉब्लम आ गई, नहीं आई? आई ना? तो ये सिस्टम पॉसिबल है गवर्नमेंट के लिए, और ना ये सिस्टम पॉसिबल है। तीसरा सिस्टम लाया गया,
कौन सा सिस्टम? इधर मैं क्या बता रहा हूं अभी कि व्हाट आर द वेज टू इंपोज द टैक्सेशन। थर्ड सिस्टम, मल्टी पॉइंट सेल्स टैक्स ऑन टोटल सेल प्राइस। हाँ, मल्टी पॉइंट सेल्स टैक्स ऑन सेल्स, एवरी सेल्स। यही तो था पहले, यही तो था जिसमें दो कमियां हम लोगों ने देखी लास्ट क्लास में। एक तो जो टैक्स दे चुके हैं फिर से टैक्स, जो टैक्स दे चुके हैं फिर से टैक्स, एक ये प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम टैक्स के ऊपर, टैक्स कास्केडिंग इफेक्ट, वो तो हम लोग स्टडी कर चुके हैं। ये है तरीका, दैट वॉज एप्लीकेबल अर्लियर, बट नाउ दिस मैथड हैज बीन एलिमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड न्यू सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड दैट इज मल्टी पॉइंट वैट ऑन एवरी सेल। अब बात समझ में आई? इंडिया में कौन सा सिस्टम अप्लीकेबल है हमें बताने की जरूरत नहीं है। कौन सा सिस्टम? पहले ये था, अब ये। दिस इज योर फोर्थ मेथड। हाँ, है ना? नोट कर लें चारों तरीके। हेडिंग डाल देंगे आप लोग। पॉइंट्स फॉर इंपोजिशन ऑफ सेल्स टैक्स। चले, अब तुम लोगों को अच्छी तरह मालूम है, नाउ वी आर यूजिंग द फोर्थ वे। दिस इज द पॉइंट फॉर इंपोजिशन ऑफ सेल्स टैक्स। अगेन इन दैट सिस्टम दे आर टू प्रिंसिपल्स। नाउ कितने प्रिंसिपल्स हैं? दो प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स फॉर इंप्लीमेंटेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ वैट सिस्टम। फॉर ही रहेगा, प्रिंसिपल्स फॉर। ढंग से सुने, क्या है ये? ढंग से सुनेंगे आप, सर ये आखिर प्रिंसिपल्स बताएगा क्या? हम आपको एक स्टोरी बताएंगे, आप खुद बता देना कि ये दो तरीके हैं और इन दो तरीकों में कौन सा मेथड इंडिया में लगता है वो भी बता देना। पहला, प्रिंसिपल्स ऑफ ओरिजिन। यानी सोर्स, प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ ओरिजिन एंड प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। ढंग से सुनना,
अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन की बात करें, कोई भी गवर्नमेंट अगर ये सिस्टम यूज करती है तो केवल उन्हीं वैल्यू एडिशन पर टैक्स चार्ज कर सकती है। अगर गवर्नमेंट ये सिस्टम यूज करती है तो केवल उन्हीं चीजों के वैल्यू एडिशन पर टैक्स चार्ज कर सकती है जहां पे वो जनरेट हुए, सोर्स ओरिजिन यानी अपनी इंडियन टेरिटरी के अंदर। बात समझ में आई? हम अमेरिकन टेरिटरी में नहीं घुस पाएंगे, विद इन इंडियन टेरिटरी। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन को बेस लेते हैं तो हम केवल उन्हीं चीजों पर वैल्यू एडिशन पर टैक्स चार्ज कर सकते हैं जो वैल्यू एडिशन केवल इंडियन टेरिटरी के अंदर हुए हों। नाम ही है प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन, वैट ऑन प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ओरिजिन के बेसिस पर वैट चार्ज करने का मतलब है जहां पर सामान पर वैल्यू एडिशन हुआ है यानी विद इन इंडियन टेरिटरी, तभी आप उसके वैल्यू एडिशन पर टैक्स चार्ज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। दूसरा तरीका है कि जहां सामान कंज्यूम हो रहा है, कंजम्पशन बेसिस, नॉट इट सोर्स बेसिस, कंजम्पशन बेसिस, जहां सामान कंज्यूम हो रहा है वहां पे टैक्स लगना चाहिए। अगर इंडियन टेरिटरी में सामान कंज्यूम हो रहा है तो टैक्स लगा दो। बताओ कौन सा सिस्टम सही है, फर्स्ट वन और सेकंड वन? मैक्सिमम बच्चा पार्टी बोलेगी फर्स्ट वन, और मैं कहाँ जाऊंगा, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं मेरी बात तुम लोग कैसे जानते हो। हाँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलेंगे कहाँ, फर्स्ट वन, और मैं कहाँ बोलूंगा, फर्स्ट वन नहीं बोलूंगा, मैं इधर जाऊंगा। जानते हो क्यों? अगर हम इसके ऊपर टैक्स लगा दें, इंडियन टेरिटरी, तो होगा क्या, ढंग से सुने, 10 रुपए का मैंने सामान बनाया और मैंने इसको एक्सपोर्ट किया यूएस को, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब मैंने 10 रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने कहा वैल्यू एडिशन कहाँ हुआ है, बोलते क्यों नहीं, टैक्स दे दो बेटा, कितना रुपया हो गया, चाइना यूएसए में सामान बेच रहा है 6 रुपए में, और हम कितने में बेच रहे हैं, किसका सामान बिकेगा, हम लोग वहां जीत जाएंगे हार जाएंगे, हार जाएंगे ना। और जब हम लोग हार जाएंगे तो बैलेंस सिस्टम गड़बड़ा जाएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। क्या तरीका सही है? ये तरीका इसलिए गलत लग रहा है कि हमारे एक्सपोर्ट पर टैक्स लग जाएगा, हमारा सामान दूसरे देशों में महंगा हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू एडिशन कहाँ हो रहा है, इंडियन टेरिटरी में आ रहा है, विदेश में सामान बेचने पर महंगा हो जाएगा और विदेश से सामान इंपोर्ट करने पर सस्ता हो जाएगा, क्योंकि इस पर नो टैक्स, क्योंकि ये इंडियन टेरिटरी में तो पैदा हुआ ही नहीं, वैल्यू एडिशन तो इंडियन टेरिटरी में हुआ ही नहीं। सोचो होना क्या चाहिए था, एक्सपोर्ट सस्ता करो और इंपोर्ट महंगा करो, यहां क्या उल्टी गंगा बह रही है, इंपोर्ट सस्ता हो रहा है और एक्सपोर्ट महंगा हो रहा है, हो गया ना गलत, तो हम इस सिस्टम को नहीं लगा सकते। तो अब तुम लोग बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे, कंजम्पशन बेसिस पर, प्रिंसिपल्स ऑफ डेस्टिनेशन पर। जहां सामान कंज्यूम होगा, अगर इंडिया में कंज्यूम होगा देन इट डजन क्रिएट एनी प्रॉब्लम एट ऑल फॉर द पर्पज ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन दैट, बिकॉज इट हैज अ ओरिजिन इन इंडिया एंड इट इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड इन इंडिया। लेकिन अगर हम उस सामान को आउटसाइड इंडिया में भेजेंगे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि डेस्टिनेशन इसकी कहां पर है, आउटसाइड इंडिया, टैक्स नहीं लगेगा। वैल्यू एडिशन कहीं भी हुआ हो लेकिन उसका डेस्टिनेशन कहां पे है, आउटसाइड इंडिया।
उस पर टैक्स नहीं लगेगा, एक्सपोर्ट सस्ता हो गया। अगर आउटसाइड इंडिया से कोई सामान इंडिया में आया हो तो उसके वैल्यू एडिशन पर टैक्स लग जाएगा, क्योंकि उसका कंजम्पशन कहाँ हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। तो इंपोर्ट महंगा होगा और एक्सपोर्ट सस्ता होगा, ये सिस्टम हमें ज्यादा समझ में आया। बात समझ में आई, क्लियर है? तो आप लोग ये दोनों प्रिंसिपल्स भी नोट कर लेंगे। तो हम लोग किस बेसिस पर टैक्स चार्ज करेंगे, फिर से बोलो, कौन से प्रिंसिपल, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ डेस्टिनेशन। हटाए, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोले, कोई दिक्कत नहीं है। मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ वैट, हेडिंग आप लोग लिख लें, मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ वैट सिस्टम। हम लोग को ये सिस्टम समझ में आया, पहला मल्टी पॉइंट सेल्स टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन, पहला इम्पोजिशन का तरीका, और प्रिंसिपल कौन सा यूज हुआ, प्रिंसिपल्स ऑफ डेस्टिनेशन। इन दोनों से ये सिस्टम हमारा बना है। अब ऑपरेशन कैसे होता है इसका, इसको हम चलाते कैसे हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। एक्स ने परचेस किया था सामान 100 रुपए में, ठीक, और उस पर वैट दिया था इसने 10%, नहीं दे सकता। इस पे इसने लेबर लगाया, अदर एक्सपेंसेस लगाए और प्रॉफिट जोड़ लिया, ठीक है ना? इसके ऊपर जो वैट अप्लाई होगा, वैट रेट, दैट वुड बी अगेन 10%। और इसने सेल किया है किसको मालूम है, मिस्टर वाई को। वाई की अगर बात करें तो वाई ने सामान परचेस किया है और उस पर लेबर जोड़ा है, परचेस कितने में किया है, नाउ यू हैव टू टेल मी फर्स्ट थिंग, आप लोग हमें बताएंगे कि कितने में परचेस किया, अभी कोई कैलकुलेटर ना यूज करें। लेबर इसने लगाया है 30 का, अदर एक्सपेंसेस इसने यूज किए हैं 20 के, और इसने प्रॉफिट ऐड किया है 20, और इसके ऊपर वैट रेट लगता है 10%, और इसने सेल किया है टू जेड, और ये कंज्यूमर है। ये आपको हमें बताना है सिस्टम, स्टार्ट करें। कैलकुलेशन ऑफ सेल्स प्राइस एंड वैट, इसको समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो मैं मोड ऑफ ऑपरेशन बताऊंगा उसमें ये चीजें यूज होंगी। हम बात कर रहे हैं यहां पर एक्स की और यहां पर बात हो रही है वाई की। परचेज किया है इसने, कितने में किया है, 100 में या 110 में? वैट में जब लास्ट लेक्चर चला था तो अच्छी तरह याद होगा
कि टैक्स का हम लोग क्रेडिट लेते हैं, जो टैक्स ये पे करेगा उसका क्रेडिट ये लेगा, क्योंकि ये टैक्स कौन पे कर रहा है, एक्स किससे लेकर पे कर रहा है, वाई से। इसने सामान किसी मिस्टर ए से ही तो खरीदा होगा, और उसने सामान 100 का इसको कितने पर बेचा था, उसमें 100 रुपये सामान का दाम था और 10 रुपये किसका सामान था, वैट का। बोलो पक्का? मैंने थोड़ा साइड में लिख दिया वैट, ये हटा सकते हैं। यानी इसने ए को पेमेंट किया था 110, 100 रुपये सामान का और 10 रुपये टैक्स का, प्लस लेबर इसने वैल्यू एडिशन किया कितना, अदर एक्सपेंसेस भी इसने वैल्यू एडिशन किया, उसकी वैल्यू ही तो बढ़ रही है, सामान की कॉस्ट ही तो बढ़ रही है। क्या प्रॉफिट भी वैल्यू एडिशन का पार्ट होता है? सच बताना कसम है तुम लोगों को, क्या प्रॉफिट भी हमारा वैल्यू, प्रॉफिट हमारा वैल्यू एडिशन का पार्ट होता है क्या? प्रॉफिट, प्रॉफिट वैल्यू एडिशन में मान लोगे? बिल्कुल मानेंगे, प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ वैल्यू एडिशन। 10 का सामान 200 में बिक रहा है तो 190 वैल्यू एडिशन हुआ ना। वैल्यू एडिशन मतलब किसी भी तरह से आप वैल्यू एडिशन करो, वैल्यू एडिशन किसी भी तरीके से करो, इवन प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ योर वैल्यू एडिशन। आखिर ये 100 का सामान आप कितने में बेचने को तैयार हो? सामने वाले से आपने कहा वाई से 220 रुपए, आपने वाई से कहा हम सामान 220 रुपए में बेचेंगे, दिस इज योर सेल प्राइस। ध्यान देना जो वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूं, दिस इज योर सेल प्राइस। लेकिन जब हम वाई को सामान बेचेंगे तो हम क्या बनाते हैं, बेचते समय इनवॉइस बनाते हैं, क्या बनाते हैं? और जब हम वाई को सामान बेचेंगे तो वहां पर इनवॉइस बनेगा, बीजक बनेगा। कैसे बनेगा जरा ढंग से देखें, यहां लिखेंगे टू मेसर्स वाई, जिसको सामान बेचा गया है उसका एड्रेस, इनवॉइस नंबर यहां लिखेंगे 420, और टिन नंबर भी लिख देंगे, हाँ या ना, और यहां पर लिखेंगे सेल ऑफ गुड्स फलाना एंड डिमा का, कितने का, 200। दिस इज योर सेल प्राइस। क्या तुम उसको बताओगे क्या कि देखो हमने 100 में सामान खरीदा था, 50 रुपये लेबर का लगा, अदर का 40 और प्रॉफिट मैंने 30 रुपये, तो वो कहेगा प्रॉफिट घटा, प्रॉफिट घटा, बवाल होगा। हम लोग उसको शो कभी नहीं करते, वो तो हमारा कैलकुलेशन है, हम उसको सीधे कहेंगे सेल प्राइस इज 220। ये हमारा सेल प्राइस है प्लस टैक्स, कौन सा, वैट, कितने रेट से, कितना आ गया। तो ये क्या निकल करके मेरे सामने आया, इसी को कहते हैं इनवॉइस प्राइस। अब क्लियर है, इसी को हम क्या नाम देते हैं, इनवॉइस प्राइस। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सेल प्राइस और इनवॉइस प्राइस दोनों में फर्क होता है, व्हाट एवर द वैट इज टू बी इम्पोज दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स प्राइस एंड आफ्टर इंक्लूडिंग वैट यू विल गेट योर इनवॉइस प्राइस। क्लियर? यानी आप सामने वाले से 242 चार्ज करोगे, सामने वाला आपको टैक्स के नाम पर कितना देगा, 22, और गवर्नमेंट को आप कितना पे कर दोगे, बोलो 12। 10 तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं गवर्नमेंट को, यही सामान हम बेच रहे हैं और इसी सामान पर गवर्नमेंट को हम ऑलरेडी 10 रुपए का टैक्स दे चुके हैं। 22 रुपए जब हमने कस्टमर से लिया तो 22 रुपए मेरे हाथ में आएगा, मैं गवर्नमेंट से कहूंगा बेटा देख, गवर्नमेंट को क्या बोलूंगा, बेटा देख 10 रुपये मैं तुझे ऑलरेडी दे चुका हूँ, अब मुझे टोटल आपको 12 रुपये और देने हैं, मेरी जेब से तो 22 रुपये आपके पास पहुंच गया। इसी को कहते हैं वैट की क्रेडिट लेना, इसी को हम कहते हैं वैट की क्रेडिट लेना। और वैट का जानते हो एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं सैनवेट। वैट मतलब ड्यूटी, सैनवेट मतलब ड्यूटी। एक्साइज एक्ट में जब आप लोग पढ़ोगे तो वहां वैट नहीं पढ़ोगे, वहां इसका नाम होगा सैनवेट। क्या, सेनवेट, और सेनवेट का मतलब जानते हो क्या होता है, ड्यूटी। किसी किताब में जल्दी नहीं मिलेगा ये वर्ड, हमेशा कंफ्यूज करता है, सेनवेट का मतलब कुछ खास होता होगा, सेनवेट का मतलब कोई खास नहीं होता, सेनवेट का सिनोनिम्स है ड्यूटी। तो सेनवेट वर्ड जब भी आए तो टेंशन नहीं लेने का, इसका मतलब वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द टैक्स। हेयर वैट का मतलब ड्यूटी, बोलते क्यों नहीं, हाँ है ना, क्लियर हुआ।
तो अब जब सैंडवेट और वैट का मतलब ड्यूटी है और जब हम इसकी क्रेडिट लेने जा रहे हों तो उसको हम कहते हैं, जब क्रेडिट लेते हैं उसका जो हम पेड कर चुके हैं उसको हम नाम देते हैं सैंडवेट क्रेडिट, और जब वैट की क्रेडिट लेते हैं तो इसको हम नाम देंगे वैट क्रेडिट। अब क्लियर है? तो शब्दों के जाल में नहीं फंसना, बहुत आसान है। वैट में हम लोग एक और नाम देते हैं वैट को, और उसका नाम है इनपुट परचेस। का मतलब क्या होता है? परचेस का और दूसरा नाम क्या दे सकते हो? इनपुट। और इनपुट पर ये क्या है? टैक्स। तो हम वैट को एक और नाम दे सकते हैं, इनपुट टैक्स। और जब हम इसकी क्रेडिट लेते हैं तो वैट क्रेडिट बोलो या इनपुट टैक्स। इनपुट की क्रेडिट नहीं लेते, इनपुट के टैक्स की क्रेडिट लेते हैं, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट। बात एक ही है, शब्दों में मत फंसना। वैट क्रेडिट बोलो या इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलो, बात एक है। ठीक है, हटा सकते हैं इसको। अच्छा, वापस आते हैं इधर अपनी कहानी पर। तो ये बात समझ में आई, सेल्स प्राइस और इनवॉइस प्राइस, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू? बोलो उत्कर्ष, समझ में आई बात? अब जरा देखो, इसने वैट कितना चार्ज करेगा? ये 22। टोटल इनवॉइस प्राइस कितना आ गया? बोलते क्यों नहीं तुम लोग? 242। बट पेमेंट टू गवर्नमेंट, वैट आ गया टोटल कितना? 22। और जो वैट की ये क्रेडिट ले लेगा 10 रुपए, जो ऑलरेडी पेड किया है इनपुट टैक्स की क्रेडिट, तो लेस करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट या वैट क्रेडिट या ऑलरेडी पेड टैक्स अमाउंट, कितना गवर्नमेंट को पे करेगा? ये आ जाएगा नेट पेमेंट, ये आ जाएगा नेट पेमेंट। क्लियर है? कोई दिक्कत? पक्का आगे चल सकते हैं। अब इसने सामान खरीदा यहां पे, कितने पर दिखाएगा? इसने तो टोटल एक्स को कितना पेमेंट किया? 242। लेकिन दो पेमेंट किए, गुड्स का और वैट का। तो ये गुड्स का दिखाएगा, मैं 220 दे रहा हूं, और टैक्स का कितना दे रहा हूं? अब बात समझ में आई? हाँ, या ना अलग अलग लिख दिया, क्योंकि उसके पास जब इनवॉइस जाएगा तो परचेज वो कितने का चढ़ाएगा? 220 का, और टैक्स कितने का चढ़ाएगा? 22 रुपए। इसने फिर एडिशन दिया, 30 का, 20 और 20, तो 290 हो गया। टैक्स कितना बनेगा? 29, 319। टोटल इसको गवर्नमेंट को कितना देना है? 29, जिसमें से ऑलरेडी ये कितना दे चुका है? क्रेडिट ले लेगा इसकी, बोलो। तो टोटल ये गवर्नमेंट के जेब में कितना डालेगा? 7। अब समझ में आई बात? नहीं आई? क्लियर है? तो नोट कर लो इसको, तो फिर हम आगे बढ़े। मेरा पर्पस था समझाना कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सेल प्राइस, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इनवॉइस प्राइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट और इनपुट टैक्स और वैट क्रेडिट। नोट करें। बोले, कुल मिलाकर यही समझ में आया कि ये जो यहां पर मैंने टैक्स को अब कॉस्ट का हिस्सा नहीं माना, इससे अब दो फायदे हो गए। पहला, वी कैन टेक द क्रेडिट ऑफ ऑलरेडी पेड टैक्स। हाँ, या ना, द सेम टैक्स कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय द अनदर पर्सन, बाय द गवर्नमेंट। सेकंड थिंग, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स ऑन टैक्स यानी कास्केडिंग इफेक्ट हैज बीन एलिमिनेटेड नाउ। तो दोनों फायदे मिल गए वैट सिस्टम से। हर बंदा जो सेल करना चाहता है सामान, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अगर मैंने इसको सामान सेल किया और मेरे पास ये टिन नंबर होगा,
तो ही मैं इससे वैट कलेक्ट कर पाऊंगा। जो ये वैट इनवॉइस काटी है ना, इसको हम नाम देते हैं वैटेबल इनवॉइस। क्या नाम देते हैं? वैटेबल इनवॉइस। वैटेबल इनवॉइस, वैटेबल इनवॉइस तभी दिया जा सकता है जब बेचने वाले के पास रजिस्ट्रेशन नंबर हो, और जब रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो ही हम वैटेबल इनवॉइस दे सकते हैं। और अगर मैंने बिना रजिस्ट्रेशन के, पहला लॉस हमें ये होगा कि जो हमने वैट पेमेंट किया है ए को, उसकी क्रेडिट मैं नहीं ले पाऊंगा। सबसे पहला लॉस तो मुझे ही हो जाएगा कि जो मैंने अपने प्रीवियस परचेजर से सामान खरीदा है, जो प्रीवियस सेलर्स हैं उनसे जो सामान खरीदा है, उन पर मुझे वैट क्रेडिट नहीं मिलेगी, क्योंकि वैट क्रेडिट वही ले सकता है जो रजिस्टर्ड डीलर होगा, एसएससी रजिस्टर्ड होगा। यहां पर सारे एसएससीज को, भले ही मैं डीलर हूं या ना हूं, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, होलसेलर हूं, रिटेलर हूं, सारे केसेस में लोगों का एक ही नाम है, रजिस्टर्ड डीलर। तो कंफ्यूज मत होना कि सर डीलर का क्या मीनिंग। हर वो बंदा जिसने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसको वैट डिपार्टमेंट किस नाम से जानता है? रजिस्टर्ड डीलर के नाम से जानता है। तो अगर एक्स रजिस्टर्ड डीलर होगा तो ही वो वैट क्रेडिट ले पाएगा, और दूसरा तभी वो वैटेबल इनवॉइस दे पाएगा जो सामने वाले को इस लायक बनाता है कि वो भी 22 रुपए की क्रेडिट ले ले। ए जिससे मैंने सामान खरीदा था वो वैट में रजिस्टर्ड डीलर था, उसने मुझे वैटेबल इनवॉइस दी, लेकिन मैं रजिस्टर्ड डीलर नहीं हूं, तो मुझे ये वैट क्रेडिट नहीं मिलेगी। और जब वैट क्रेडिट नहीं मिलेगी, इट मींस कि मेरे लिए अब कॉस्ट हो जाएगी 110। अब बात समझ में आई? और टोटल यहां पर आ जाएगा 230, और टैक्स कितना लग जाएगा? 23। और सेल प्राइस कितनी हो जाएगी? इनवॉइस प्राइस 253। देखो तो फिर सामने वाला ये बोलेगा, सर आपका सामान तो बड़ा महंगा है, यही सामान मैं दूसरों के यहां से 242 में खरीद सकता हूं। हाँ, क्यों आएगा ये मेरे पास सामान खरीदने, जब वही सामान इसको मुझसे 253 में और दूसरे से 242 में मिल रहा है। तो देखो तो वैट में रजिस्ट्रेशन न कराने का एक लॉस ये भी है। हाँ, है ना, वैट वैटेबल इनवॉइस वही दे सकता है जो रजिस्टर्ड डीलर हो, और वैट की क्रेडिट वही ले सकता है जिसने वैटेबल वैट रजिस्ट्रेशन करा रखा हो और वैटेबल इनवॉइस दे रखा हो, और सामने वाले को इस लायक बनाता है कि आप भी क्रेडिट ले सकते हो। क्लियर है? नहीं तो ये चेन क्या हो जाएगी, बीच में ब्रेक हो जाएगी। इसके पहले जितने भी टैक्सेस होंगे सब इस अकेले बंदे को देने पड़ेंगे। ठीक है, तो वैट में रजिस्ट्रेशन का फायदा समझ में आया। वैट में रजिस्ट्रेशन का सबसे पहला फायदा कि वैट क्रेडिट ली जा सकती है, सामान कंपेरेटिवली सस्ता हो जाता है, और हम सामने वाले को इस लायक बना देते हैं कि वो वैट की क्रेडिट ले पाए। अब बताओ 22 रुपए की अगर वो वैट क्रेडिट ले लेगा तो एक्चुअल में उसके लिए सामान की कीमत कितनी हो गई? 220, क्योंकि 22 तो ये गवर्नमेंट से ले लेगा, और अगर नहीं ले पाता तो इसके लिए सामान का कीमत कितना हो गया? 253, अदरवाइज 220। सोचो 33 रुपीज का फर्क आ गया तुरंत कॉस्ट में। अब बात समझ में आई? चलो, तो क्या हर किसी को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है? क्या हर किसी को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है? गवर्नमेंट ने कहा ना, ये गुमटी वाले छोटे छोटे बेचारे मोहल्ले के शॉपकीपर्स, उनको थोड़ा किनारे रखो, वो कहाँ से रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है क्या? आपके लिए पॉसिबल है कि वैट क्रेडिट भी लेना चाहते हो और बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन नहीं करना चाहते? क्या ये पॉसिबल है? अरे कल को गवर्नमेंट, अगर आपके यहाँ इंस्पेक्शन, गवर्नमेंट का कोई आदमी इंस्पेक्शन करने आएगा, आप क्या बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओगे? क्या दिखाओगे? हमने तो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट रखा ही नहीं, वैट क्रेडिट लेते गए। अरे कैसे ले लिया, कितने का सामान खरीदा मालूम नहीं,
ऐसे कैसे मालूम? नहीं, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट रखना ही पड़ेगा। अगर आप वैट क्रेडिट लेना पड़ते हो तो रजिस्टर्ड डीलर के ऊपर एक ऑब्लिगेशन और है जो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट रखना पड़ेगा। एक ऑब्लिगेशन और है, हर आदमी डेबिट क्रेडिट जानता नहीं। क्या तुम्हारे मोहल्ले में जो दुकानदार है उसने अकाउंट्स पढ़ रखा है? नहीं, मास्टर आदमी है वो। जब भी टैक्स में कोई चेंज होता है किताब खरीद कर पढ़ता है। सीए के यहाँ क्यों जाएगा फिर? बात समझना। तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट रखनी पड़ेगी, तो अकाउंटेंट को बुलाएगा, और अकाउंटेंट को बुलाएगा तो अकाउंटेंट की कॉस्ट, एक तरफ आपको फायदा हो रहा है तो दूसरी तरफ लॉस भी तो हो रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का, प्रॉपर पेपर वर्क करने का। अगर इसको अभी मैं बोल दूं इस बच्चे को रिटर्न भर दो वैट रिटर्न, अभी हाथ पैर फूलने लगेंगे, सर कैसे होता है, कौन सा फॉर्म होता है, नाम कहीं हम अपना गलत तो नहीं डाल रहे, अपने नाम में भी डाउट होने लगता है। बात समझना, सही कॉलम में जा रहा है कि नहीं, क्लियर है ना? कहने का मतलब यह है कि ये सब एक्सपर्टीज नॉलेज चाहिए। फिर वहां पर अकाउंटेंट भी चार्ज करेगा, लॉयर भी चार्ज करेगा, आपके लिए कॉस्ट भी बढ़ेगी दूसरी तरफ से। और जब वो कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा ये? चलो अभी हम उस पर कॉस्ट पर नहीं जाने जा रहे। ये का समझ में आया दोनों? यानी कि हर एक बंदा जरूरी नहीं रजिस्ट्रेशन करवाए। कौन बंदा रजिस्ट्रेशन न करवाए उसके लिए थ्रेशहोल्ड लिमिट बनाई गई है 5 लाख। कई स्टेट्स में 10 लाख है और कई स्टेट्स में 5 लाख, ठीक है ना? अलग अलग थ्रेशहोल्ड लिमिट है, 5 लाख भी है और 10 लाख भी है। तो जिस स्टेट में 10 लाख रुपए थ्रेशहोल्ड लिमिट है उस स्टेट में 10 लाख रुपए तक की सेल की आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ। कई स्टेट्स में 5 लाख रुपए की थ्रेशहोल्ड लिमिट है, 5 लाख रुपए तक की अगर आपकी सेल है, स्मॉल सेलर हो, छोटे बिजनेसमैन हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आप तो वैटेबल इनवॉइस नहीं दे पाओगे। हाँ, आपको अकाउंटेंट की कॉस्ट या पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थ्रेशहोल्ड लिमिट क्या बताई गई है? 5 लाख और कई स्टेट्स में 10 लाख। हटा सकते हैं इसको? बिल्कुल नई चीज है, ढंग से सुनना। मैंने कहा कि मैंने परचेज किया है सामान 100 रुपए का और उस पर मैंने वैट दिया है 10 रुपए, उसको कर दिया मैंने किनारे। मैंने कहा कि मैंने इसमें लेबर की कॉस्ट जोड़ी है 30 रुपीज, अदर एक्सपेंसेस की मैंने कॉस्ट जोड़ी है 20 और प्रॉफिट का मैंने वैल्यू एडिशन किया है 10। टोटल सेल प्राइस कितनी आ जाएगी? वैट मान लेते हैं 10% है, 2 मिनट के लिए सपोज करते हैं, कितना आ जाएगा? यानी हमारी इनवॉइस प्राइस कितनी हो जाएगी? सरकार को हमें टैक्स कितना देना पड़ेगा? केवल 6 रुपए। 16 रुपए हमें देने थे जिसमें से 10 हम ऑलरेडी दे चुके। चलो वो बात नहीं है, हम बात करते हैं इस मैटर की। ये अदर एक्सपेंसेस, बता सकते हो कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे? तुम लोग नाम ले सकते हो? कॉस्ट किस किस चीज से बढ़ती है? किसी भी सामान की कॉस्ट किस किस चीज से बढ़ी है? मटेरियल से, लेबर से, और बोलते क्यों नहीं? सामान के उन खर्चों के नाम बताओ ना, आइटम्स के नाम बताओ ना जल्दी से। सैलरी ऑफ मैनेजर, सैलरी ऑफ स्वीपर, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर, रेंट, गोडाउन रेंट, ये किस में आएंगे सब? बोलते क्यों नहीं? और बोलो ना तुम लोग। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर एक्सपेंसेस, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, वो भी डालोगे इसमें? जो हम चाय पानी पी रहे हैं वो भी इसकी कॉस्ट में जोड़े? हाँ हाँ, जोड़ना तो पड़ेगा ना। चाय पानी नहीं पियोगे, बिना चाय पानी पिए सामान बेच लोगे? और बोलो, हॉस्पिटलिटी एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, टूर्स एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस, सेल्स कमीशन एक्सपेंसेस, और बताओ नाम, कुछ भूल रहे हो? इंटरेस्ट ऑन लोन, और बताओ। अरे ये अदर में और एक और आएगा,
एडवर्टीजमेंट, अरे वाह, एक और बताओ, कुछ छूट रहा है जहां पर हमें पहुंचना है? ऑडिट फीस, चलो और बताओ। कुछ छूट रहा है, बहुत मेजर आइटम छूट रहा है, ध्यान नहीं दे पा रहे हो तुम लोग। हो गया, एक और खर्चा है। हाँ, सेलिंग ओवरहेड हो गया ना, सेल्स कमीशन हो गया। और बताओ, कुछ बाहर निकलो उससे, एक मेजर आइटम छूट रहा है, बताओ। वाह रे वाह, अकाउंटेंट लोगों, एक मेजर पोर्शन छोड़ दे रहे हो तुम लोग। हाँ, क्या बोले हो? कुछ नहीं बोले हो? हाँ बोलो। एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, सब आ गया। और डी से नाम है, जो मेरे नाम से स्टार्ट होता है, तब बताओ। डेप्रिसिएशन, कसम है तुम लोगों को, क्या बताओ, क्या इस अदर में डेप्रिसिएशन भी आएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो भाई, कितने लोगों को लगता है कि आएगा और कितने लोगों को लगता है नहीं आएगा? खास बात क्या है डेप्रिसिएशन में कि इसके लिए इतना एम्फेसाइज किया गया? क्योंकि वैट पर डेप्रिसिएशन हमें मिलेगा बेनिफिट या नहीं, उसको हम कहते हैं वेरिएंट्स। क्या नाम देते हैं? और जब भी मैं ये वर्ड बोलूं वैट में, तो दिमाग में तुरंत बत्ती जल जानी चाहिए। किस चीज की? किस चीज की? तुरंत दिमाग में नाम आना चाहिए, डेप्रिसिएशन, दैट्स इट। कंफ्यूजन की कोई जरूरत ही नहीं है। वेरिएंट मींस डेप्रिसिएशन, जब भी नाम आए वेरिएंट तुरंत आना चाहिए, डेप्रिसिएशन। यानी डेप्रिसिएशन का नाम आए तो क्या आ जाना चाहिए? वेरिएंट। चलो, यानी अब हम बात करेंगे वेरिएंट्स की। और ये तीन तरह से होते हैं। कितने तरह से होते हैं? टाइप्स ऑफ वेरिएंट। अब तुम लोग लास्ट में बताओगे कि हमारे इंडिया में कौन सा सिस्टम चलता है। पहले को हम कहते हैं ग्रॉस प्रोडक्ट वेरिएंट, दूसरा होता है इनकम वेरिएंट, और थर्ड होता है कंजम्पशन वेरिएंट। तीन तरह के वेरिएंट होते हैं हमारे पास। इंडिया में कौन सा चलता है मैं अभी नहीं बात करने जा रहा, वो तुम लोग हमें बताओगे। पहला होता है ग्रॉस प्रोडक्ट, सेकंड होता है इनकम, और तीसरा होता है कंजम्पशन। ग्रॉस प्रोडक्ट कहता है एक लाइन की बात, ये डेप्रिसिएशन हमें किस चीज पर मिलता है मालूम है? उसको हम लोग वैट में कहते हैं कैपिटल गुड्स। क्या नाम देते हैं? हम दो चीजें खरीदते हैं, या तो गुड्स खरीदते हैं रेवेन्यू गुड्स, या तो कैपिटल गुड्स खरीदते हैं। मुझे ये पेन बनानी है तो मैं इसके लिए क्या खरीदूंगा, ये या ये? मुझे ये पेन बनानी है, मैं क्या खरीदूंगा, ये या ये? दोनों। हाँ, दोनों खरीदेंगे। इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, फोम चाहिए, इंक चाहिए, पैकिंग मटेरियल चाहिए, वो सब क्या है?
गुड्स, इसको बनाने के लिए डाई चाहिए, मशीन चाहिए, एसी चाहिए, नहीं चाहिए, ये क्या कहलाते हैं? कैपिटल गुड्स। जब आप इस गुड्स को कॉस्ट का हिस्सा मान ले रहे हो परचेज में, हम ये भी परचेज किए, हम ये भी परचेज किए हैं, हमने एसी परचेज किया, बताओ मैं जर्नल एंट्री क्या करूंगा? कसम है तुम लोगों को, दोनों के यहां एंट्री बतानी है, एक तो परचेजर के यहां और एक सेलर के यहां, वेंडर के यहां। बताओ एंट्री क्या करोगे परचेजर के यहां? हम अपने यहां एंट्री क्या करें? एसी अकाउंट डेबिट टू कैश, बोलते क्यों नहीं? ये क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू एसी, एसी, एसी। तुम लोग जीते और मैं भी जीता। देखो इधर टू सेल्स होगा, ये तो इसके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है। डेली से एसी सेल करता है और खरीदता है, लेकिन मैं डेली एसी खरीदता और सेल नहीं करता। मैं अपने यहां उसको कैपिटल गुड्स की तरह लिखूंगा, लेकिन वो अपने यहां रेवेन्यू गुड्स की तरह सेल करेगा। दोनों में फर्क समझ में आया? जब मैं इसके एसी खरीदने गया, मैंने कहा भाई साहब एसी देना, इसने दिया, वैट चार्ज करें, काहे का वैट, हमारे लिए तो कैपिटल गुड्स है। उसने कहा मेरे लिए तो रेवेन्यू गुड्स है, मेरा तो बिजनेस ही यही है, एसी खरीदो और बेचो, तो मैं तो आपसे वैट लूंगा। आ यानी इसको इस एसी में दो पेमेंट करने पड़े, एसी की कॉस्ट प्लस वैट। जब रॉ मटेरियल खरीदता है तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, हाँ या ना? फिलहाल अभी हम डीप में नहीं जा रहे। इस परचेज की कॉस्ट में दो सामान शामिल होते हैं, एक परचेज की कॉस्ट प्लस वैट। वैट हम अलग करते हैं ना इसका, तो क्या इसका वैट अलग नहीं करते? मेरी बात समझना, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हम अभी तक जितने भी वैट 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 इनपुट की बात कर रहे थे, केवल इस इनपुट टैक्स की बात कर रहे थे। हम लोग के दिमाग में केवल एक ही चीज जा रही थी, इनपुट टैक्स का मतलब परचेस पर वैट, परचेस पर वैट, परचेस पर वैट। अरे जब कैपिटल गुड्स खरीदा था तो उस पर भी तो वैट दिया था मैंने, क्या उसका भी क्रेडिट ले लोगे तुम? अरे अगर मैंने रेवेन्यू गुड्स खरीदा तो उस वैट का क्रेडिट ले रहे हो, तो क्या इसका क्रेडिट नहीं लोगे? नहीं मिलेगा, मिलेगा, दोनों का नाम एक ही है ना, वैट वैट, है कि नहीं? नहीं समझे मेरी बात? दोनों एक ही चीज है, ये भी वैट, ये भी वैट। तो जब इसकी क्रेडिट मिल रही है तो इसकी भी क्रेडिट मिलनी चाहिए, हाँ या ना? पक्की बात है। तो जब अदर कॉस्ट लिखते हैं, अदर एक्सपेंसेस, तो उसमें डेप्रिसिएशन आ जाता है, और डेप्रिसिएशन किस पर होता है? कैपिटल गुड्स पर। और कैपिटल गुड्स पर हम क्या दे चुके हैं? वैट। तो जब परचेज में से वैट हटा दिया था तो इस डेप्रिसिएशन में से भी वैट हटा देंगे। ये मैं नहीं बोल रहा, तुम लोग बोल रहे हो हटा दो सर, लेकिन जब हमको वैट की क्रेडिट नहीं मिलती है तो परचेज कॉस्ट बढ़ जाती है। तो जब डेप्रिसिएशन, जब कैपिटल गुड्स पर वैट क्रेडिट नहीं मिलेगी तो परचेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जब परचेज कॉस्ट बढ़ जाएगी तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? ये कहता है ग्रॉस प्रोडक्ट वेरिएंट, कहता है नो वैट क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स, एक लाइन की बात बोलता है। जब कोई वैट क्रेडिट नहीं मिलेगा कैपिटल गुड्स पर, तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स हो जाएगी इनवॉइस प्राइस, बोलो, और जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स डिवाइडेड बाय लाइफ, बोलते क्यों नहीं? हाँ यार ना, अब क्लियर है? कितना सिंपल है। जब वैट क्रेडिट नहीं मिलेगी तो इनवॉइस प्राइस, जितना हमने दिया है सामने वाले को सामान, जितने में खरीदा है, पूरी मेरे लिए कॉस्ट हो गई, हाँ या ना? और कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द ईयर, हमें वैट क्रेडिट नहीं मिल रही, और इसने साफ साफ ग्रॉस प्रोडक्ट वेरिएंट ने साफ साफ मना कर दिया है कि हमको क्या नहीं मिलेगा, वैट क्रेडिट नहीं मिलेगी किस पर? कैपिटल गुड्स पर। एक लाइन की बात इसने बोल दी, झंझट खत्म। कितना आसान था, नहीं रटने की जरूरत है क्या? इसकी बात करते हैं इनकम वेरिएंट की। इसने कहा
अगर एसेट कैपिटल गुड्स पर वैट क्रेडिट मिलेगा, लेकिन जानते हो कैसे? जितना डेप्रिसिएशन उतना वैट क्रेडिट, फिर अगले साल डेप्रिसिएशन फिर उतना वैट क्रेडिट, जितना आप डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे उतना वैट क्रेडिट लेते जाओ। आपने पूरा वैट क्रेडिट एक बार में दे दिया, लेकिन अब उस कॉस्ट में से 100 रुपए और 10 रुपए मान ले, तो 100 रुपए आपका क्या था, एसी की कॉस्ट हो गई और वैट क्रेडिट मिलेगा, तो अब अलग कर लो। अब एसी की कॉस्ट कितनी मानोगे? 100। हाँ या ना? वैट क्रेडिट कितना लोगे? अगर हम 10 रुपए डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो 1 रुपए वैट क्रेडिट लो, 20 रुपए डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो 2 रुपए वैट क्रेडिट लो, इस साल 10 रुपए तो 1 रुपए वैट क्रेडिट, अगले साल 20 रुपए तो 2 रुपए। तो जितना जिस साल आप यूज करते जाओगे मशीन को, उतना आप वैट क्रेडिट उस वैट में से लेते जाओ। क्या गलत है ये? प्रपोर्शन बेसिस। दिक्कत है क्या इसमें? खत्म। ये क्या कहता है? क्या ये तरीका सही है? सुनो, सही है? तुम लोग को गलत लग रहा है क्या? ये बोलो ना, है गलत? गलत है। मैंने 4 रॉ मटेरियल खरीदे, 100 पर 10 रुपए, 200 पर 20 रुपए और 300 पर 10 रुपए। मैंने ये वैट दे दिया है खरीदते समय सामान। आज मैं केवल इस सामान पर 50 रुपए लेबर, 30 रुपए ओवरहेड और 10 रुपए प्रॉफिट जोड़ रहा हूं, तो 190 हो गया। मुझे टैक्स कितना देना है गवर्नमेंट को? 19। तो कितना हो गया? सामान कितने में बेचूंगा? 209। 19 में से मैं कितना दे चुका हूं ना? 30-40 रुपए में दे चुका हूं। अरे वैट का मतलब वैट, वैट का मतलब वैट होता है, चाहे आपने किसी भी चीज पर दिया हो, रेवेन्यू गुड्स पर दिया हो, कैपिटल गुड्स पर दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जितना जहां जहां से सामान खरीदा है उन सबको वैट क्रेडिट में ट्रांसफर, वैट में ट्रांसफर करते जाए वैट में, और वो पूरा अकाउंट एक गुल्लक बताएगा, इतना आपके खाते में ऑलरेडी वैट आपने इतना जमा कर दिया है। तो हमें गवर्नमेंट को देने की 1 रुपए की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने 10 रुपए 20 रुपए ज्यादा दे दिया है भाई, उल्टा भी क्रेडिट लेनी बाकी है। अब बात समझ में आई? तो 1:1 का रेशियो नहीं चलता कि जो सामान खरीदा उसी को बेचेंगे तो वैट क्रेडिट मिलेगा। अरे जहां जहां से जो सामान खरीदा था उस सारे वैट को उठाकर एक गुल्लक में डालो और उसकी क्रेडिट लेते चले जाओ, बात खत्म। नाम एक है वैट, वैट ऑन गुड्स 1, वैट ऑन गुड्स 2, वैट ऑन गुड्स 3, ये कौन सा तरीका होता है? क्लियर है? अब क्लियर हुआ? तो जब यहां पर भेदभाव नहीं किया तो यहां पर क्यों किया? यहां पर भी तो नाम क्या है? वैट। उसको भी पूरा का पूरा उस गुल्लक में डाल दो, जितना सामान बेचो उसमें से क्रेडिट पूरी एक ही बार में ले लो ना। ये बार 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 का सिस्टम समझ में नहीं आ रही बात, कि जितना डेप्रिसिएशन उतना वैट, जितना डेप्रिसिएशन उतना वैट। एक काम करो, सारा वैट एक तरफ ट्रांसफर कर दो और पूरी क्रेडिट ले लो। उसको हम कौन सा मेथड बोलेंगे? तरीका कौन सा सही है? कसम है तुम लोग को, अब बताओ तीनों में तरीका कौन सा सही है? कंजम्पशन वेरिएंट। और लागू भी इंडिया में कौन सा होता है? हो गया काम खत्म। हाँ या ना? वैट क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स आर अलाउड इमीडिएटली। हाँ या ना? दैट्स इट। यहां तक कोई दिक्कत आई हो तो बोल सकते हो, हमें नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन चीजों पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चों, नोट करें। Thank you.